हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मधुस किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं वॉलनट चॉकलेट ब्राउनी, जो बहुत ही यमी, डिलीशियस और टेस्टी डिज़र्ट रेसिपी है। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे डार्क चॉकलेट, तकरीबन 100 ग्राम। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पीसीस में चॉकलेट को कट कर लिया है। अगर आपको डार्क चॉकलेट की बिटरनेस पसंद नहीं है तो आप नॉर्मल चॉकलेट भी ले सकते हैं, बट जो ये बिटरनेस है फाइनल ब्राउनी में एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेके आती है स्वीटनेस के साथ। फिर डालेंगे तकरीबन 1-1.5 कप मिल्क। मैंने यहाँ पे स्किम्ड मिल्क यूज़ किया है, आप चाहें तो नॉर्मल अगर आपको मिल्क यूज़ करना है तो कर सकते हैं। 1 कप देसी खंड। मेरी रेसिपीज़ में ऑलवेज मैं देसी खंड यूज़ करती हूँ क्योंकि वाइट शुगर इतनी अच्छी नहीं होती है हेल्थ के लिए और नुकसान देती है हमें, तो इसलिए देसी खंड यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बेनिफिशियल है। फिर डालेंगे 1/3 कप ऑयल, तकरीबन 50 ग्राम्स। अब इस मिक्सचर को माइक्रोवेव कर देंगे 2 मिनट के लिए ताकि चॉकलेट अच्छे से पिघल जाए। फिर एक अलग बाउल में 2 कप होल व्हीट फ्लार लेंगे, कनक का आटा, 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा बेकिंग पाउडर, 3/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। इसको छान लेंगे ताकि तीनों एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएं और सारे लम्ब्स रिमूव हो जाएं। मीनवाइल अवन को हम प्री हीट करेंगे 10 मिनट के लिए तकरीबन 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ये देखिए, माइक्रोवेव से हमने निकाल लिया है चॉकलेट का मिक्स, कितने अच्छे से चॉकलेट पिघल गई है। अभी हमें विस्कर की हेल्प से पिघली हुई चॉकलेट को मिल्क और ऑयल में अच्छे से मिक्स करना है। इसको तो आप तब तक बीट करते रहिए जब तक एक फाइनल ब्राउन चॉकलेटी कलर ना आ जाए। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा वनीला एसेंस। फिर जो हमने आटे का मिक्सचर तैयार किया था बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के साथ, इसको थोड़ा थोड़ा करके चॉकलेट मिक्स में डालना शुरू करेंगे और बीट करते रहेंगे। ये सारे मिक्सचर को एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो बड़े बड़े लम्ब बन जाएंगे। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो अच्छे से मिक्स होते रहेगा और लम्ब्स भी रिमूव होते रहेंगे। मैंने यहाँ पे आटा यूज़ किया है, अगेन मैदा नहीं यूज़ किया है क्योंकि मैदा को डाइजेस्ट करने के लिए पेट को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और आटा हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ये देखिए, इसको आप तब तक स्टर करते रहिए जब तक एक थिक कंसिस्टेंसी ना रेडी हो जाए। ये हमारी ऑलमोस्ट बैटर की कंसिस्टेंसी जैसी हमें चाहिए वो रेडी हो गई है। ये देखिए, इस तरह की आपको कंसिस्टेंसी चाहिए बैटर की। बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब हम केक पैन लेंगे, उसको ग्रीस करेंगे अच्छे से ब्रश की हेल्प से। इसकी चारों वॉल्स पे, बेस पे, हर तरफ ग्रीस कर देंगे ताकि केक चिपके नहीं बाद में। फिर इसमें सूखा आटा डालेंगे, उसको भी अच्छे से फैला लेंगे केक पैन की वॉल्स पे, बेस पे। अगेन इसका पर्पज़ ये है कि केक चिपके नहीं। फिर मैं रखूँगी बटर पेपर और उसको भी ग्रीस कर दूँगी। ये मैं प्रिकॉशनरी कर रही हूँ ताकि केक नहीं चिपके, बिल्कुल भी हमारी मेहनत ना ख़राब जाए। अब जो बैटर है इसको पोर कर देंगे केक पैन में। ये देखिए कितना अच्छी कंसिस्टेंसी आई है बैटर की। और ध्यान रखिए हमेशा कि बैटर की अमाउंट पूरे केक पैन को फिल ना करे, हाफ इसकी हाइट कवर हो, क्योंकि जब हम केक को बेक करेंगे तो ये फूलेगा और इसको जगह चाहिए होगी फैलने के लिए। अब इसको टैप कर देंगे ताकि थोड़े बहुत जो एयर बबल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। अब हमारी जो मेन इंग्रेडिएंट है टॉपिंग का, वॉलनट्स, अखरोट, इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। वॉलनट्स बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेके आता है चॉकलेट केक के साथ, ये बहुत ही पसंद करता है सब लोग, ये बहुत ही टेस्टी होता है। अब इसको अवन में रख देंगे बेक करने के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए। अवन को हमने ऑलरेडी प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए। ये देखिए हमारी चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी एकदम तैयार है सर्व करने के लिए। कितने अच्छे से वॉलनट रोस्ट हो गए हैं। आप इसको गरम गरम भी खा सकते हैं चॉकलेट सिरप डाल के इसके ऊपर। अगर आपको गरम गरम नहीं पसंद है तो आप इसको फ्रिज में स्टोर करके 3 से 4 घंटे के लिए ठंडी ठंडी भी खा सकते हैं। कॉफ़ी के साथ बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपको पसंद आई ये रेसिपी तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इन्जॉय योर डिज़र्ट।